आपका। हाँ मैम नमस्ते। जी नमस्कार मैम। हाँ हकीम भाई नमस्ते। आइए जय हिंद, स्वागत है। है, मैं 2-2.5 महीने से कौन सी खा रही हूँ, तो उससे थोड़ा आराम है। जो ज्यादा जलकर विलकर थी वो तो आराम है। और ये क्या, ये कौन फिरोजा या भूसी या ये लाजवंती, ये चांद खा सकते हैं, दोनों डाल रहे हैं। ठीक जी हेलो। जी, और तो कोई सवाल नहीं है आपका? अरे है सवाल है, जैसे टमाटर मतलब खा सकते हैं सब्जी में, सब्जी में टमाटर खा सकते हैं, क्या टमाटर टमाटर टमाटर? टमाटर। हाँ, टमाटर खा सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पैरों में बहुत सूजन आ जाती है, ठीक है, पैरों में मेरे सूजन बहुत आ जाती है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, टमाटर तो खा सकते हैं, और वो सूजन जिनके पैरों में आ जाती है तो उनके लिए अलग से एक नुस्खा है। अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, 1 चम्मच अलसी खाएं, और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर पी लिया करें। तो ये सूजन आ जाती है पैरों पर, पूरे जिस्म पर, चेहरे पर, तो इसकी वजह हमारी किडनी होती है। किडनी का अच्छी हो जाती है, साफ हो जाती है, फंक्शन अच्छा हो जाता है, तो हमारी सूजन जा सकती है। दर्द है तो गौन से आप ले ही रहे हैं, तो ये अभी और कुछ दिन लेंगे तो पूरा फ़ायदा मुमकिन। अभी आपको फ़ायदा शुरू हो गया है। जिस नुस्खे से भी मेरे फ़ायदा हो आपको, उसका लोगों तक पहुंचा दें ताकि दूसरे लोग भी रोग मुक्त हो सके। हाँ, जी, चिलगोजे इसबगुल की भूसी एक साथ। जी इसबगुल की भूसी 1 या 2 चम्मच दूध या पानी में मिलाएं, और चिलगोजा गौन सिर्फ 1 चुटकी खा सकते हैं पूरी 24 घंटे में। ये बहुत तेज़ होता है, तो 1 चुटकी से ज़्यादा कभी ना खाएं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी बनारस से हैं गोपाल जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब से बात करना चाहते थे। जी जय हिंद, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है। प्रणाम सर। आदाब। हाँ, कह रहे थे कि हमारे सीने में चलने में पहले दिक्कत होता था, और सीना जिसे 10 कदम चले 15 कदम चले तो सीने में दर्द होता था, फिर खड़े हो जाते थे तो कुछ आराम हो जाता था। तो हम डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर का इलाज चल रहा था, आराम था। कल उनको फिर दिखाए तो ऐसा हमको परेशानी महसूस हुआ, खाने के बाद थोड़ा देर तक दर्द रहता है, इसके बाद अपना जो है नॉर्मल हो जाता है, दवा चल रहा है। तो हम ही चाहते रहे कि मतलब बीच में 1.5 दिन गैप हो गया, चूंकि दिखाना था तो हम सोचे कि दवा खत्म हो गया है तो दिखा करके ही अब आगे लेंगे। तो हम 2 दिन गैप हो गया तो महसूस हुआ कि दवा न खाने से, तो कल दिखाए, कल से खा रहे हैं दवा। हम चाहते हैं इसका कोई परमानेंट आप इलाज हमको बता देते। तो उन्होंने इको वगैरह किया तो बताया कि आपके जो हृदय का जो है नस जो है सूख रहा है, तो उसका वो इलाज जो है। इसके साथ साथ किडनी भी, एक तो किडनी वाले डॉक्टर को दिखाए तो वो बताया कि आपका एक किडनी बेकार हो गया है, तो उसका इलाज अलग चल रहा है। तो हम चाहते हैं कोई परमानेंट अच्छा इलाज बता दें, जो कि क्योंकि महंगा भी पड़ा है, दवा खाते हैं तो आराम रहता है, दवा गैप हो जाता है 2 दिन तो दिक्कत हो जाता है। जी ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? नियर एज कितनी है? अबाउट 70 के करीब हो रहा है। ठीक है। अच्छा देखिए, बहुत गौर से सुनिए मेरी बात, और ये बहुत अच्छा नुस्खा है, विश्व का सबसे अच्छा नुस्खा कह सकते हैं इसे, यूनानी का, आयुर्वेद का। देखिए, एक आती है अलसी। अलसी सभी जानते हैं, ग्रामीण तो तिलहन में से है। अलसी ले लीजिए, 200-400 ग्राम खरीद लें, साफ सूफ करें, कंकर पत्थर बहुत होते हैं, और इसको हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें अलसी का। और
ये अलसी आधा चम्मच खाएं। और एक आता है कलौंजी का सिरका, कलौंजी का सिरका याद रखें, असली लेना नकली मत ले लेना, कलौंजी का सिरका 2 या 3 चम्मच कलौंजी का सिरका 1 गिलास पानी में मिला दें, और इस पानी से 1 चम्मच या आधा चम्मच अलसी दिन में 2 बार खाएं, खाने के बाद खाना बेहतर है। तो आपकी किडनी के लिए, आपके एसिडिटी के लिए, आपके दिल के लिए और आपकी नसों के लिए, आपकी एसिडिटी कब्ज के लिए, ये सारे काम एक साथ करता है, ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ये विश्व का अच्छा नुस्खा है। बस असली लें और इस्तेमाल करें और 6-7 महीने इस्तेमाल करें, और डॉक्टर की दवा भी अभी ना छोड़ें, आगे जाके उसकी उसको भी छुड़ा सकते हैं। हकीम साहब, एक बात गोपाल जी ने बहुत सही कही है कि जब जब दवाई खाते हैं ठीक रहते हैं, जैसी दवाई छोड़ते हैं वैसे ही हो जाते हैं। हाँ, वो समझदार इंसान है, तो उन्होंने जब ये सोचा कि ये तो परमानेंट इलाज ही नहीं है, बिल्कुल, तो फिर इस तरफ बात की है। तो ये परमानेंट इलाज है, लेकिन 5-6 महीने तो लगातार लेना चाहिए, बिल्कुल, फिर उसके बाद रोग मुक्त हो जाए तो कभी 1-2 साल में आप 1-2 महीने ज़रूर ले लिया करें ये नुस्खा, जब ठीक भी हो जाए लगातार लीजिए। कलौंजी का सिरका असली लेना ज़रूरी है, नकली बहुत मिलते हैं सिरके, मैं तो परेशान हो गया हूँ कि अगर मैं किसी को मशवरा दूँ और वो नकली दे देते हैं तो मेरा भी नाम ख़राब होता है। बिल्कुल। अगले कॉलर हैं दिल्ली से, रमेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी नमस्कार। मैंने मैडम जैतून का सिरका और जैतून का नमक लिया था। ठीक है। तो जैतून का सिरका, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, तो डायबिटिक की वजह से बताया था डॉक्टर साहब ने कि भाई ब्रेकफास्ट से पहले 3 चम्मच और डिनर के बाद डिनर से पहले 3 चम्मच, तो मैं वो डेली ले रहा हूँ, मेरी कंट्रोल तो है, बाकी बिल्कुल सुपर नॉर्मल नहीं है। और दूसरा है जैतून का नमक। जैतून का नमक मैं डिनर के बाद आधे घंटे बाद 1 गिलास पानी में डाल, 1 चुटकी डाल करके जैसा आपने बताया वैसा मैं ले रहा हूँ। परंतु तो मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे गैस बहुत बनती है और खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना खाते ही मेरा पेट फूल जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर इसको और भी ताकतवर और ऐसा करना है कि ज़्यादा फायदा दे, तो नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं और सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दानेक ये 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लें और इससे खाया करें आप, और डायबिटीज़ कंट्रोल होने लगी, अच्छी बात है, अपनी दवाएं भी साथ में लें। और अभी आपने शुरू किया है, फ़ायदा शुरू हो गया, और हजम होने वाली चीज़ें खाया करें, वरना ये जो 6 चीज़ों का नुस्खा मैंने बताया इसके साथ लेंगे तो ये हजम को आपके दुरुस्त करता है और सिस्टम को पेट के अच्छा करता है, आप लगातार लें, फ़ायदा उठाएं, मेरी दुआ है कि आप जल्दी अच्छे हो जाएं। तो सर अभी आपने शुरुआत की है नुस्खों की जो हकीम साहब ने आपको बताए थे, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, आप बहुत अच्छे बहुत बेहतर हो जाएंगे, यकीन रखिएगा। अगले कॉलर हैं भटिंडा से, स्वागत है आपका। जी नमस्कार श्रीमान साहब। जी आदाब भटिंडा वालों। हाँ जी सर, मैंने अपने बारे में पूछना है, मेरे को ना खांसी बहुत जल्दी हो जाती है और स्किन की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, मतलब खारिश होती है स्किन पे। और मेरे को बवासीर की प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है। पाइल्स की मैम? हाँ जी मैम। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 40 साल। ठीक, जो देखिए एक नुस्खा बता रहा हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी और अलसी, ये 7 चीज़ें हो गई। एक बार और बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी और अलसी, इन सबको 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं, और नमक जैतून आता है कि ये असली लें, और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाएं
और खाने से पहले एक चम्मच ये पाउडर जो मैंने बनवाया आपसे, 7 चीज़ों का खाएं और इस पानी से खाएं, दिन में बस एक बार या दो बार, आपकी ये परेशानियाँ अच्छी होना मुमकिन है। यूपी से हैं मुकेश कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम, हकीम साहब को नमस्कार, बात कर लीजिए। आदाब। दो सवाल है मैडम मेरे जो है। ठीक है, एक तो ये एलोवेरा का छिड़का किस काम आता है, वजन कम करने काम आता है कि नहीं आता? एलोवेरा छिड़का और जैतून का छिड़का दोनों साथ साथ एक आदमी ले सकता है कि नहीं? और दूसरा सवाल है जीरे का छिड़का क्या काम आता है? ठीक है, देखिए एलोवेरा का सिरका ब्यूटी प्रोडक्ट है, अगर असली है तो एक तो बहुत शबाब आता है चेहरे पर और महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, पुरुषों के लिए भी, और जिनके ओवरीज में गांठें कुछ ऐसी हो जाती हैं तो वो लोग लेते हैं 2-3 चम्मच एक गिलास पानी मिलाकर और एक चुटकी खाने का सोडा मिलाकर लेते हैं। ये शबाब आवर भी यानी खूबसूरत बनाता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है और हाजमे के लिए बहुत अच्छा है और लीवर किडनी के लिए बहुत अच्छा है, ज़्यादातर इसको महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। और जैतून का सिरका डायबिटीज़ में भी काम आते हैं असली है तो, और जैतून का सिरका डायबिटीज़ वाले लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले लेते हैं और हार्ट ब्लॉक की जिनको है वो ले सकते हैं, लेकिन जब भी लें असली लें, और ये 2 या 3 चम्मच खाने के बाद लेना बेहतर है, दिन में एक बार या दो बार अगर लेंगे तो आपको, कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है ये, ब्लड प्रेशर अच्छा करता है और जितने फ़ायदे, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, लीवर का बड़ा ख्याल रखता है, पेट को भी फ़ायदा करता है, हजम करता है काफ़ी, और पेशाब की परेशानी को भी अच्छा कर सकता है। जीरे का सिरका, जीरे का सिरका विशेष वज़न कम करने के लिए, जो लोग किसी सूरत किसी भी सूरत जिनका वज़न कम नहीं होता उनके लिए ख़ास होता है, 2-2 चम्मच या 3-3 चम्मच दिन में 2-3 बार खाने से पहले खाने के बाद लिया जाए तो ये तेज़ असर है जो चर्बी को पिघलाकर बाहर कर देता है। जी, मुंबई से हैं शेख अख्तर जी, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सुलेमान सर खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ना ये बोलना था, मेरे वालिद है ना तो पिछले 1 साल हो गए हैं तो वो ना आपके उधर से वो सिरका और जैतून का सिरका और सिया गोंद है ना हमने ऑर्डर किया था, तो तकरीबन 1 साल से वो दोनों भी ना दवाई आपकी खा रहे हैं, उनको डायबिटीज भी है सर, तो अभी ना 8-10 दिन से ना उनको, पहले तो थोड़ा रिलीफ था उससे आपके सिरके से और उससे, बट अभी ना 8-10 दिन से ना सर उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है और उनको ना कुछ खाया नहीं जा रहा है, उनकी तबीयत उनकी बहुत मतलब बहुत ढीली हो गई है, जैसे ना बहुत कमजोरी आ गई उनको, तो सर कुछ सजेस्ट करेंगे सर क्या करना चाहिए उसके लिए अभी? जी देखिए जब जो चीज़ फायदा कर रही है उसे लेते रहें और इसमें ख्याल रखें, अक्सर डेंगू हो रहा है यहाँ पर लोगों को, पता नहीं वहाँ कौन कौन से रोग होते हैं और बुखार ज़रूर आते हैं, वायरल फीवर, तो अगर ये सब आए, कोई भी रोग आए, ये तो दवा अपना काम करती रही, कोई भी रोग आए, बुखार ज़रूर आते हैं, वायरल फीवर एक दूसरे को लग जाता है, तबीयत ढीली हो जाती है, तो उनको वो दवाएँ दिलवा दिया करें एलोपैथ, लेकिन इसको जारी रखें क्योंकि डायबिटीज़ का मामला है, हमेशा लें, हमेशा स्वस्थ रहें। और गोंद तो अभी छूट जाना चाहिए, अगर दर्द ठीक हो गया तो गोंद को छोड़ भी सकते हैं, नहीं हुआ है तो मजीद इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी महाराष्ट्र से ही अगले कॉलर हैं, स्वागत है आपका। हाँ सर, मैं गुलाबी देवी से बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। जी अरे उनके कमर का दर्द है और घुटने का दर्द जा नहीं रहा है और गैस बनता है ज्यादा, अभी आपके यहाँ से दवा आया है 15-20 दिन से खा रही है। तो वो गैस के लिए कौन सा दवाई करूँ मैं? उसके लिए थोड़ा दवा दिया हूँ चालू है उसके लिए भी, आपका सुन करके मैं चालू किया हूँ। कौन सिया लिया आपने, कुछ फायदा शुरू हुआ? हाँ सर लिया हूँ, समस्या चालू है सर। कुछ फायदा शुरू हो गया 15 दिन अगर हो गए लेते? थोड़ा फायदा है लेकिन गैस ज्यादा बन रहा है, हाथ में झुंझुरट चालू है थोड़ा।
ठीक है ठीक जी। अच्छा देखिए, फ़ायदा शुरू कर दिया, गौंसिया असली अगर किसी को मिल जाए तो उसको फ़ायदा मुमकिन होता है। झंझनाहट हाथ में शुरू हो गई तो ये आप एक्सरसाइज ज़रूर करवाएं, ऐसे 3 मिनट रोज़ाना, और ऐसे ऐसे पूरी तरह 3-3 मिनट ज़रूर करें। और गैस की कोई भी दवा ले सकते हैं आप, यूनानी भी ले सकते हैं और एलोपैथ भी ले सकते हैं। गैस की बड़ी अच्छी अच्छी गोलियाँ एलोपैथिक इंग्लिश दवाओं में आती हैं, तो वो एक एक गोली सुबह एक शाम ले लिया करें डॉक्टर के मशवरे से, या फिर सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का पाउडर बना के रखें 100-100 ग्राम खरीद के, और एक चुटकी नमक जैतून असली वाला 2 गिलास पानी में मिला के ये 6 चीज़ों का सफूफ खाएं, और ये पानी पी लें एक चुटकी नमक जैतून वाला। तो ये पेट के निज़ाम को अच्छा करता है, पेट का जो सिस्टम है ना इसको अच्छा करता है। वक्ती तौर पर आप कुछ भी दवा ले लिया करें, कोई भी बीमारी हुआ करें, इसे लगातार 2-3 महीने इस्तेमाल करेंगे तो मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है जी।